जानकारी देनी चाहते हाँ कि सारे शहर निवासी फतेहगढ़ चूड़िया के इलाका निवासी लागे जाके तो सारे जानते हैं कि जिथे तलाब के कंडे ते दशहरा लगता है इसनों दशहरा ग्राउंड के नाँ नाल ही जाना जाता है। तो पिछले कई दहाकों के उत्तों ही इहदा नाम दशहरा ग्राउंड ही जिहड़ा चलता आ रहा सी। 2005-06 साल के करीब ये नगरपालिका फतेहगढ़ चूड़िया ने एक मता पा के इनू सारा टोटली जिथे फतेहगढ़ दशहरा ग्राउंड का नाम से उन्होंने भी नगरपालिका के अधीन जिहड़ा वा उह कर लिया। तो दशहरा भावें उत्थे लगता आ रहा पिछले लंबे समय तो, पर हुण कई कोशिशां वख-वख सोच के बंद वालों की जा रही कि दशहरा ग्राउंड में कल्ली कमेटी की मालकीयत दस के ये कि नवे प्रोजेक्ट लिया जी योजना बनाई जाती है जी कि हिंदू समाज में बिल्कुल मंजूर नहीं गी, क्योंकि दशहरा ग्राउंड इतिहासक दशहरा ग्राउंड है। जिन्हें भी तुम फतेहगढ़ चूड़िया के निवासी हो सारे पुछोगे तो सारे ने जिन्हें भी बजुर्ग तो बजुर्ग ने भी पुछोगे तो कहेंगे कि दशहरा उन्होंने होश इतने लगता रहा। तो अही सिर्फ इस करके रोस मार्च कढ़िया ता कि जड़ा ये दशहरा ग्राउंड का जड़ा रिकॉर्ड के पहला नाम चलता सी उन्हें फिर बहाल किया जाए। 2005-06 के जिस मुताबक नाम चलता सी उन्हें बहाल किया जाए। तो दशहरा ग्राउंड हिंदू धार्मिक संस्थावां लई जां होर समाजिक कामां लई ही वरती जाए ना कि कोई गैर लड़ींदा काम जड़ा कि धर्म के उल्ट होवे जां हिंदुआं दी भावनावां नूं धार्मिक भावां नूं ठेस पहुंचावे वह काम किया जाए। इसलिए असीं इह यतन कर रहे हां ते नगरपालिका वालों और मानयोग कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा वालों विश्वास दवाया गया है कि वह रुतबा जिहड़ा वा दशहरा ग्राउंड का फिर बहाल किया जाएगा। अज दा रोस मार्च सिर्फ इस करके ही कि जल्दी तो जल्दी क्योंकि काफ़ी लंबा समा हो गया है उड़ीक करदे सारिआं नूं तां कि जल्दी तो जल्दी जिहड़ा ये काम नेपरे चाढ़िया जाए ते सारे शहर दीआं सारे हिंदू समाज दीआं भावनावां जिहड़ीआं ने उन्हां दी कदर करदे होए जिथे दशहरा ग्राउंड का नाम पहला 2005-06 दर्ज सी उस तरह ही दर्ज किया जाए। यही फिर एक बारी सारी सरकार तो सारे समाज तो मंग करते हैं कि ये अपना पूरा योगदान पा के हिंदुओं की भावनावां की कदर की जाए। जय श्री राम। जय श्री राम।